हमारे पास ये है होंडा CBR 650R की चाबी। शोरूम वालों ने हमें चाबी दी है लेकिन बाइक के अंदर बैटरी नहीं है, तो शायद हम बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाएँ। ये वीडियो में हम सब डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, ये बाइक का प्राइस कितना है, क्या क्या इसके अंदर अपडेट्स हुए हैं, एंड थोड़ा और भी बात करेंगे कि आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं, एंड आपको क्यों खरीदनी चाहिए, एंड इसका जो कंपटीशन है यही प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक्स है उनके बारे में भी बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके चेंजेस के बारे में, जो पिछली साल 2020 की या 2019 की जो CBR थी उससे इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो पहली चीज़ है, इसके अंदर आपको फुल LED मिलती है जो आपको सेम CBR 1000RR Fireblade में मिलती है। बाद में इसका जो क्लिप ऑन हैंडल बार है उसको थोड़ा नीचे कर दिया है, तो अभी अगर आप इसके ऊपर टूरिंग, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स टूरर बोला जाता था, अगर टूरिंग वगैरह करना चाह रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको बैक पेन आ सकता है। रिस्ट पेन ज़्यादा आता है क्योंकि मैं R15 चलाता हूँ एंड एक कावासाकी Z900 भी चलाता हूँ। सिस्टम कंसोल है वो पूरा एकदम से LCD दिया गया है। शोवा सस्पेंशन आपको दिए गए हैं, 211 किलो की ये बाइक है, ऑलमोस्ट सेम है। एंड कुछ अपडेट्स किए गए हैं जिनके साथ भी कुछ ट्यूनिंग वगैरह की गई है ताकि ये BS6 जो कंप्लायंस है और BS6 जो गवर्नमेंट के रूल है उनके साथ ये मैच करे। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में, क्या क्या इसके अंदर आपको मिलता है। सामने जो टायर दिया गया है वो है 120x70 इंच का दिया गया है, एंड पीछे का टायर है 180x55 इंच का, जो सेम आपको मेरे हिसाब से GSX 750 एंड Z900 में मिलता है। सामने का जो ब्रेक डिस्क है उसका साइज है 310mm, पीछे जो डिस्क ब्रेक दिया गया है उसका साइज है 240mm। ड्यूल चैनल ABS इसके अंदर आपको मिलता है, निशिन का आपको इसके अंदर कैलिपर मिलता है। सस्पेंशन जो दिया गया है सामने का शोवा सस्पेंशन है, पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आप एडजस्ट भी कर सकते हो। जब इसका मैं टेस्ट राइड करूंगा वो टाइम पे आपको पूरा डिटेल इसका दे दूंगा। और अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में। 6-speed गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको इसके अंदर मिलता है। बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो है 211 किलो, सीट हाइट है 810mm की जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस है 132mm है जो मेरे हिसाब से इंडियन रोड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब मैं Z900 खरीदा था 2019 में वो टाइम पे उसका ग्राउंड क्लियरेंस था 130mm, वो हर एक स्पीड ब्रेकर पे टच होती थी, एंड स्पेशली जब आप दो लोग बैठ के जा रहे हो बाइक पे। तो इसका जो 132mm क्लियरेंस है मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है अगर आप दो लोग बैठ के सिटी में चला रहे हो। फ्रंट ब्रेक का जो लीवर है उसको एडजस्टेबल दिया गया है। बाकी आपको इसके अंदर इंजन किल स्विच भी मिलता है जो होंडा की बहुत सारी बाइक्स में मिसिंग रहता है। सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है, किक स्टार्ट को तो आप सोचो ही मत। बाकी फिट एंड फिनिश पार्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आई कैन से टॉप नॉच है। शोवा सस्पेंशन जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे दिया गया है। फिर से आपको बता दूं कि इसका जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो थोड़ा नीचे कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो सीटिंग पोस्चर है वो अभी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया है, सिंगल स्विच आपको दिया गया है। यहाँ पे स्विचेस की क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है, हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया है, एंड इसका जो क्लच लीवर है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है। ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा है इसका हॉर्न का स्विच, उसके नीचे आपको दिखता है इसका इंडिकेटर का स्विच, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप बाइक को 3-4 बार चलाओगे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट, आपको इसकी आदत हो जाएगी। जो मेरे हिसाब से CBR 650F थी उसके अंदर भी सेम ऐसा ही था। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको LCD अभी स्क्रीन मिलती है, मेरे पास अभी की है लेकिन ये बाइक में बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो आपको जो LCD स्क्रीन है वो ऑन करके नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी ये जो 2-4 वायर्स आपको दिख रहे हैं क्लच का, ब्रेक का, ये थोड़े और दिखते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपको चलाने के टाइम पे कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। 15.4 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है। जो कलर की क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, दिस लुक्स वेरी प्रीमियम। आई कैन से जो आपको CBR 1000RR Fireblade पे कलर मिलता है आपको सेम फिनिश मिलती है, सेम आपको कलर की क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे आपको इग्निशन दिया गया है, इग्निशन आपको मिलता है पेट्रोल टैंक के ऊपर, आपको सिस्टम कंसोल के पास में नहीं मिलता है। अब रही बात इसके इंजन की, तो आपको 4-stroke इंजन मिलता है, इनलाइन 4 सिलेंडर, प्रॉपर इनलाइन 4 सिलेंडर आपको मिलता है। इसका जो CC है वो है 648.72 CC। पावर आउटपुट है 86 PS का, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आया है अगर मैं पुराने वाली CBR 650F एंड R से इसको कंपेयर करूँ। टॉर्क जो है वो है 57.5 Nm एट 8500 RPM पे, एंड मैंने जो आपको पावर बताया है वो आती है 12000 RPM पे, जो मुझे लगता है कि 1000 RPM ज़्यादा है अगर मैं पुराने वाले मॉडल से इसको कंपेयर करूँ। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स मिलता है, आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। वैसे आपको बता दूं कि मैंने CBR 650F को बहुत बार चलाया है, मैंने अभी तक CBR 650R को नहीं चलाया है, बिकॉज शोरूम में अभी हैदराबाद में चलाने के लिए अवेलेबल नहीं है बाइक। लिक्विड कूल्ड फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिलती है, तो मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में चलाओगे या फिर हाई स्पीड पे हाईवे पे चलाओगे तो आपको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। लिक्विड कूल्ड इंजन आपको इसके अंदर दिया गया है। रेडिएटर का साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसके अंदर सिंगल हॉर्न मिलता है।
इसका जो एग्जॉस्ट है वो आपको अंडरबेली मिलता है। एंड आपको बता दूं कि अगर मैं ये बाइक को स्टार्ट करता हूं और उसके बाजू में एक पल्सर 220 बाइक स्टार्ट करता हूं, तो पल्सर 220 बाइक ज़्यादा इससे लाउड रहेगी अगर आप स्टोक एग्जॉस्ट की बात करते हैं CBR 650 R के। तो अगर आपको वो इनलाइन 4 का मज़ा चाहिए, आपको ज़्यादा लाउड साउंड चाहिए, तो आपको इसका एग्जॉस्ट चेंज करना पड़ेगा। पीछे आपको मैंने बता दिया मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जिसको ऑब्वियसली आप एडजस्ट कर सकते हैं। पार्ट्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। वैसे आपको बता दूं कि होंडा है तो होंडा का जो पार्ट्स का क्वालिटी रहता है ना बहुत अच्छा रहता है। पीछे का जो टायर है मैंने आपको बता दिया कि 180 सेक्शन का मिलता है। सेम टायर आपको मिलता है कवासाकी Z900 पे, 240 mm का आपको डिस्क मिलता है, ड्यूल चैनल ABS मिलता है जो मैंने आपको बता ही दिया है, निशिन का कैलिपर आपको इसके अंदर दिया गया है। मेरे हिसाब से ज़्यादा मेंटेनेंस ये बाइक का रहता नहीं है अगर मैं इसको जापानीज जो बाइक्स है जैसे कवासाकी है, GSX 750 सुजुकी की है, उनसे कंपेयर करूँ तो इसका मेंटेनेंस मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 30-40% कम है। एलॉय व्हील जो है कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट है। टायर आप देख सकते हैं 180x55 17 इंच का ट्यूबलेस आपको टायर इसके अंदर दिया गया है। एंड टायर की लाइफ की बात करूं तो अगर आपको एक इनलाइन 4 बाइक को उसके पावर के हिसाब से चलाना है और उसको जैसे चलाना चाहिए वैसा चलाना है तो आपको 7-8,000 किलोमीटर पे आपको टायर चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ वो इनलाइन 4 का जो साउंड है या फिर होंडा का जो रिफाइनमेंट का मजा लेना चाहते हैं तो आप 100-120 की स्पीड तक चलाओ एंड आपको टायर आई थिंक मेरे हिसाब से 10-11,000 किलोमीटर आराम से चल जाएंगे। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ऐसा कुछ डिज़ाइन दिया गया है एंड इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नंबर प्लेट दी गई है, LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, नंबर प्लेट के नीचे एक लाइट दी गई है, नाइट के टाइम पे नंबर प्लेट देखने के लिए इजी होता है एंड एक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है जो अगर आप नाइट के टाइम पे राइड करते हो तो दूसरी बाइक्स और दूसरी गाड़ियों को आपकी गाड़ी को देखना इजी हो जाता है। ओवरऑल जो बाइक है काफ़ी खूबसूरत दिखती है। आप पीछे देख सकते हैं जो टेल लैंप है वो भी LED है। डिज़ाइन इसका चेंज कर दिया गया है अगर मैं पुराने वाली CBR 650 से इसको कंपेयर करूं। सीट की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड अब मेरे हिसाब से अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो पिलियन के साथ तो आपको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि पीछे ग्रैब रेल वगैरह जो है वो इंटीग्रेटेड दिए गए हैं। बाइक को अभी तक चला के देखा नहीं है, मैंने टेस्ट राइड नहीं लिया है तो आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। आपको जब टेस्ट राइड लूंगा वो टाइम पे आपको बता दूंगा कि सीट का कंफर्ट कैसा है। ओवरऑल जो बाइक दिखती है वो बहुत ही अच्छी दिखती है, कॉम्पैक्ट दिखती है, ज़्यादा बड़ी नहीं दिखती है। प्रीमियम बाइक्स होती है उनकी जो चेन आती है वो ओपन चेन आती है, आपको एवरी 400-500 किलोमीटर पे इसको क्लीन करना पड़ता है। जैसे आपको कंपनी बताती है उसके हिसाब से आप इसको क्लीन करें अगर आपको ज़्यादा किलोमीटर तक और ज़्यादा साल तक इसका जो चेन स्प्रोकेट है और चेन है वो यूज़ करना है। साथ ही साथ अगर आप पिलियन एंड सिंगल राइड करते हो वो टाइम पे आपको कितना कितना इसका एयर प्रेशर रखना है वो भी यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है। तो जब भी आप राइड करते हो मेक श्योर कि वो प्रॉपर टायर प्रेशर आप मेंटेन करें। 211 किलो की ये बाइक है और इसका जो सीट हाइट है वो है 810 mm। तो अगर आपकी हाइट 5.4-5.5 फीट की है तो आप ये बाइक को आराम से चला पाओगे। सिटी के अंदर भी मुझे लगता नहीं कि कुछ आपको दिक्कत होने वाली है। हालांकि बिगर सीसी इंजन थोड़े गर्म होते हैं लेकिन होंडा की जो हीट मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी रहती है इंजन की, सो आप सिटी में भी इसको आराम से चला सकते हो। अब बात आती है मुद्दे की, आपको कितना इसका प्राइस पे करना पड़ेगा और कितना इसका आपको माइलेज मिलेगा। अब प्राइस ये बाइक का आपको पड़ेगा हैदराबाद का 10,18,000 रुपये, 10,18,000 इज़ दी ऑन रोड प्राइस फॉर हैदराबाद फॉर दिस होंडा CBR 650 R 2021 मॉडल। अब अगर आप ये बाइक को खरीदने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको ये बाइक क्यों नहीं लेनी चाहिए और क्यों आपको इसको लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो प्राइस है बाइक का मुझे सही नहीं लगता। 9 लाख रुपये, 9 लाख और 9.5 लाख कुड हैव बीन मैक्सिमम, 9 से 9.5 लाख रुपये इंडिया में अगर ऑन रोड होता इसका तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डील हो सकती थी। दूसरी चीज़ यह है कि इसका जो पीछे का लुक है वो बहुत बहुत बेसिक दिखता है। मतलब अगर आप बाइक को पीछे से देखोगे ना आपको लगेगा नहीं कि आपने ये बाइक के 10 लाख रुपए दिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बाइक देखने में काफ़ी अच्छी दिखती है, थोड़ी मुझे छोटी दिखती है। बाकी अगर मैं इसको कॉम्पिटिशन जो इसका है सुजुकी GSX 750 है, कवासाकी Z900 है, इन दो बाइक से इसको कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि ये दोनों बाइक्स ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है। बाकी ओवरऑल मैं ये बाइक के बारे में बात करूं तो बहुत ही अच्छी बाइक है। अगर आपको सिटी में चलाना है, हाईवे टूरिंग करना है, हाईवे पे चलाना है तो बहुत ही अच्छी बाइक है। अब बात करते हैं कि आपको ये बाइक क्यों खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है अगर आप होंडा फैन बॉय है तो आप ये बाइक खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको लेने के बाद में एक पॉकेट फ्रेंडली बाइक चाहिए, आपको कम मेंटेनेंस वाली इनलाइन 4 प्रॉपर इनलाइन 4 एक सुपर बाइक चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। आपको अगर मोस्ट रिफाइंड 650cc इनलाइन 4 इंजन चाहिए तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट है। एंड यू ऑल नो होंडा का जो रिफाइनमेंट रहता है टॉप नॉच रहता है एंड मोर ओवर इट्स जापानी इंजन। अगर आपको पार्ट्स जो है वो कम प्राइस में चाहिए, आपको कम स्पेंड करना है पार्ट्स पे जैसे चेन स्प्रोकेट है, ब्रेक पैड है, तो आप ये बाइक को ले सकते हैं। अगर आपको इनलाइन 4 की बाइक से 300cc की बाइक का माइलेज चाहिए तो आप ये बाइक ले सकते हैं, बिकॉज ये बाइक का जो माइलेज है वो 20+ आपको आराम से मिलेगा अगर आप सिटी में चलाते हो
एंड अगर आप हाईवे पे चलाते हो 100 या 130 की स्पीड के बीच में, तो आपको 20 प्लस आराम से माइलेज मिल जाएगा। सो ये थे वॉक अराउंड डिटेल्स ये बाइक के बारे में। आपने बाइक को कम्प्लीटली देख लिया होगा। इसके अलावा अगर आपके और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बाइकर प्रकाश चौधरी, वहां पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम इसका एक टेस्ट राइड करेंगे। सो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये डिटेल्स अच्छी लगी, वॉक अराउंड वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक जरूर करें। मैं आपको मिलता हूं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।